आज हम ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन बनता है फ्रंट साइड से देखने में, और बैक साइड से ये इस तरह से बनता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप 3-3 के मल्टीपल यूज़ करेंगे प्लस 2 एज स्टिच। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। ये तीन का एक पेयर बन गया। फिर से उल्टा, एक उल्टा फंदा, एक सीधा, फिर एक उल्टा। आप देख सकते हैं तीन पेयर का ये, तीन पेयर ये, फिर एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, फिर दो उल्टे फंदे, फिर एक सीधा फंदा, फिर एक, ये तीन तीन के पेयर में आएंगे, दो दो उल्टे, एक इसमें सीधा। इस तरह से आप पूरी रो को बना सक पूरी रो इसी तरह से आगे तक कंप्लीट होगी। दो उल्टे और एक फंदा सीधा, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इस तरह से हमारी इस फंदे को, लास्ट के फंदे को हम, ये हमने उल्टा ना, इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो पूरी होगी। अब सेकंड रो में जो हमने फंदे उल्टा बुना है उसको उल्टा, जो सीधे बुने हैं वो सीधे। इसमें दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, और फ्रंट साइड से दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। इसमें आपको यही रिपीट करते जाना है सेकंड रो में बैक साइड से। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो, यहाँ से अब हम इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतारा, धागा आगे मोड़ा, एक दो तीन, तीन फंदे हम उतार लेंगे। फिर जो आगे का फंदा उल्टा है इसको हम बुन लेंगे। धागा आगे ही रखेंगे, फिर एक सीधा, एक उल्टा। इसमें हम तीन तीन फंदे उतारेंगे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा फंदा, फिर एक सीधा, एक उल्टा। फिर हम तीन फंदे फिर से उतारेंगे, एक दो तीन, फिर आगे का फंदा बुन लेंगे। इसी तरह से हमारी ये थर्ड रो पूरी सेम बनेगी। एक सीधा, एक उल्टा, फिर तीन फंदे बिना बुने उतारने हैं और आगे का फंदा बुन लेना है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो, यहाँ से हम धागा पीछे घुमाएंगे, दो तीन, तीन फंदे उतारेंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर अगेन एक दो तीन, फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे। धागा थोड़ा सा लूज रखना है इसमें, एक उल्टा, एक सीधा, फिर तीन फंदे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। बैक साइड से भी सेम वैसे ही जैसे हमने फ्रंट साइड से किया, सेम वैसे ही बैक साइड से भी आएगा। फोर्थ रो, तरह से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट होती है। और ये डिज़ाइन इस तरह से नज़र आएगा इसमें धागा आगे से। नेक्स्ट रो, फिफ्थ रो, इसमें हमने जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी
एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, धागा नीचे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अगली रो बैक साइड से इसको भी हम सेम वैसे ही बुनेंगे, जो उल्टे हैं उसको उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे, दो सीधे होंगे एक उल्टा। इस पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। दो रो हम सिंपल बुनेंगे, एक उल्टा, एक दो उल्टे, एक सीधा, और बैक साइड से भी इसी तरह से। नेक्स्ट रो में अब हम फिर से डिज़ाइन डालेंगे। पहले हमने यहाँ से डिज़ाइन डाला था स्टार्टिंग से, अब हम स्टार्टिंग के तीन फंदे बुनेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर हम तीन फंदे यहाँ से उतारेंगे, तीन। इसमें ध्यान रखना है अभी इसमें तीन फंदे फर्स्ट के जो है वो बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट जब हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड जो डिज़ाइन डालेंगे उसमें हम सेकेंड तीन फर्स्ट को ड्रॉप करके अगले तीन से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम तीन तीन ड्रॉप करेंगे बिना बुने, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक दो तीन। लास्ट के एक सीधा, एक उल्टा, और ये लास्ट का सीधा। बैक साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, फिर हम एक सीधा, फिर हम यहाँ पे एक दो तीन उतारेंगे, फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर तीन बिना बुने उतारेंगे और एक सीधा बुनेंगे। इसी तरह से इस रो को भी पूरी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है, और आगे तक आप जब आप इसको बुनोगे तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा।